पिछले 8 महीनों में करीब 27 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या हो चुकी है। टारगेट किलिंग के जरिए जहां सरकार ये दावा कर रही है कि सभी तरह के प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से कश्मीर में टारगेट किलिंग और रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऐसा पिछले 3 महीनों में दूसरी बार हुआ है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आज महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के जरिए लोगों से ये जानकारी साझा की कि उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों पहले कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या हुई थी, उसके घर में छोटीगाम में वो मिलने जो है उनके परिवारजनों के साथ चाहती थी, जिस वजह से सरकार ने उनके ऊपर हाउस अरेस्ट कराकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे ठीक 3 महीने पहले भी जब एक टारगेट किलिंग हुई थी, उस टारगेट किलिंग के तहत भी महबूबा मुफ्ती उस घर बड़गाम में जाना चाहती थी जहां पर राहुल भट्ट की निर्मम हत्या की गई थी। राहुल भट्ट के घर के परिजनों से मिलने के लिए भी महबूबा मुफ्ती करीब 3 महीने पहले बड़गाम जाना चाहती थी, लेकिन तब भी उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने पिछले 3 घंटों में 2 ट्वीट जो है वो किए हैं, और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट में ये जानकारी दी है कि वो कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट, जिनकी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक सेब के बागान में हत्या हुई है, उनके परिजनों से मिलने छोटीगाम जाना चाहते हैं और अपना दुख जो है वो प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट करके वहां पर जाने से प्रतिबंध कर दिया। उसके बाद उनका एक और ट्विटर आया जिसमें उन्होंने बोला कि जो कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है वो ये तस्दीक करती है कि केंद्र सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को छुपाना चाहती है, और ऐसे में उनकी जो केंद्र सरकार की जो कठोर नीतियां हैं, जिस वजह से उन नीतियों के तहत ही जो टारगेट किलिंग्स जो है वो हो रही हैं, और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो है वो उन छिपे हुए राजों को आउट करना चाहती हैं, जिस वजह से अब केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती को भी कश्मीरी पंडितों का दुश्मन दिखाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिस वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें अपनी बात जो है वो रखने का ना कोशिश जो है उन्हें नहीं करने दी जा रही है। उनका ये भी दावा है कि सरकार ये दावा कर रही है कि हमें हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, जबकि खुद उनके जो पार्टी के नेता हैं वो किसी भी कश्मीर के कोने कोने में जाकर किसी से भी आ जा सकते हैं और मिल सकते हैं, लेकिन ये जो बंदिशें हैं वो सिर्फ हमारे लिए हमारी सुरक्षा के नाम पर की गई है। तो एक सीधा आरोप जो है वो महबूबा मुफ्ती द्वारा केंद्र सरकार पर है कि कश्मीरी पंडितों की जो निर्मम हत्या की जा रही है, जो टारगेट किलिंग की जा रही है, वो सेंट्रल पॉलिसी जो कश्मीर को लेकर की जा रही है उसके तहत हो रही है, और दूसरा वो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं है बल्कि वो उस दुष्प्रचार को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक रही है, और इसी के तहत जो केंद्र सरकार को जो है महबूबा मुफ्ती लताड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के साथ महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की करीब 3 साल से ज़्यादा सरकार रही है, ऐसे सरकार में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आखिर क्या कुछ किया, इसका आंकलन भी खुद पीडीपी को करना पड़ेगा कि यदि अपने सरकार में रहते हुए उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनके उत्थान के लिए कोई कदम बृहत जो है वो नहीं उठाए, तो ऐसे में अब जब उनके पास सरकार भी नहीं है तो वो बड़गाम या छोटीगाम में जाकर आखिर कर क्या लेंगी, ये बड़ा सवाल केंद्र सरकार भी जो है वो महबूबा मुफ्ती के सामने रख सकती है। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।